तारिक लाशोर की प्रोग्रामिंग करने के लिए बेहतरीन महीना है। आप सबने एक आम सवाल सुना होगा, जो सवाल उठाया जाता है कि रमजान में अगर शैतान कैद कर दिया जाता है तो फिर भी बुराई, चोरी, कत्लो गारत, गुनाह क्यों होते हैं, इंसान गुनाह क्यों करता है। तो इसका जवाब यह है कि शैतान तो कैद होता है, लेकिन शैतान ने जो पहले हमारे नफ्स के ऊपर मेहनत की होती है, हमारे नफ्स के अंदर ये वायरस डाला हुआ होता है बुराई का, वो उसके इफेक्ट की वजह से इंसान फिर भी गुनाह करता है। इस मामले भी हमारा जो नफ्स है ना, नफ्स यानी कि माइंड, ये एक स्लेट की तरह, एक खाली स्लेट की तरह, एक ब्लैंक माइंड है ये, और बिल्कुल न्यूट्रल है। हम इसकी जैसे चाहे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम अपने माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो हमारी जिंदगी पॉजिटिव होगी, हम इसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारी लाइफ नेगेटिव होगी। अब शैतान क्या करता है कि शैतान हमारे नफ्स के ऊपर बुराई की या नेगेटिव प्रोग्रामिंग करता है, सारा साल प्रोग्रामिंग करता रहता है, उसको बार बार रीइंफोर्स करता रहता है, और हम भी अपनी नफ्स की और दुनिया की गुनाहों और अय्याशी की कशिश से मजबूर होकर दुनिया की एक्टिविटीज में मुलव्वस होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा अंदर प्रोग्रामिंग भी हो रही होती है और हम उन चीज़ों के आदि भी हो रहे होते हैं। तो ये हमारी शैतान की उस प्रोग्रामिंग का, उसके ऊपर हम डबल इफेक्ट दे रहे होते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, शिरकत करके। तो इस तरीके से शैतान जब हमारे माइंड के ऊपर सारा साल प्रोग्रामिंग करता है, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करता है, तो रमजान में शैतान के कैद होने के बावजूद उस प्रोग्रामिंग का समय आ रहा होता है कि हम रमजान में भी कुछ लोग चोरी चकारी, गुनाह या इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस नजर आते हैं। अब इसका हल ये है कि रमजान मुबारक एक ऐसा बाबरकत और मुबारक महीना है जिसमें हमें लाशोर के प्रोग्रामिंग के लिए तीन बहुत बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं। एक एडवांटेज हमें यह मिलता है कि रमजान मुबारक के माह में हर नेक काम का, हर अच्छे काम का अजर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। हदीस के मुताबिक 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। वाजह रहे कि 70 का लफ्ज़ जो है यहाँ जाती के सीखे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा उसका अजर बढ़ा दिया जाता है, और ना सिर्फ उसका अजर बढ़ाया जाता है, उसका इफेक्ट भी बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर हम इस माह में अपने ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। दूसरा फायदा रमजान मुबारक का यह है कि हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। एनवायरनमेंट हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमारे नफ्स की प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी सोबत का अच्छा असर होता है, बुरी सोबत का बुरा असर होता है। सोबत भी प्रोग्रामिंग करती है हमारे माइंड के ऊपर। तो रमजान मुबारक में जहाँ हर तरफ नेकी की बहारें होती हैं, सब लोग नमाज, रोजा, कुरान, तरावी और नेक अमल इसकी तरफ बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, तो हमारे आसपास हर जगह ये हो रहा होता है, हमारे घर में, हमारे ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, हमारे कोलीग्स, दोस्तों में। तो ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ी सपोर्ट बनता है। सोबत की वजह से कोई भी काम करना आसान या बुरा हो जाता है। बुरी सोबत है तो अच्छे काम से बचना मुश्किल हो जाता है, या बुरा काम करना आसान हो जाता है, नेक सोबत है तो नेक काम करना आसान हो जाता है। और तीसरा रमजान मुबारक का जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस माह में शैतान को कैद कर लिया जाता है। वो शैतान जो हमारे अंदर बुराई के ख्यालात डालता है, बुराई का वायरस डालता है, हर किस्म की बुराई का वायरस डालता है, वो कैद हो जाता है, और वो प्रोग्रामिंग भी हमारे करता रहता है। इस माह के अंदर वो प्रोग्रामिंग भी नहीं होती। तो ये तीन बड़े एडवांटेजेस हमें रमजान के माह में मिलते हैं। अगर हम इन तीन एडवांटेजेस का फायदा उठाएं और अपने नफ्स यानी अपने माइंड के ऊपर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें, अपने लाशोर को पॉजिटिवली प्रोग्राम करें, नेकी की तरफ प्रोग्राम करें, खौफ खुदा की तरफ प्रोग्राम करें, अल्लाह ताला की तरफ सफर करने की तरफ के लिए प्रोग्राम करें, तो ये एक महीना बहुत बहुत अच्छा होगा। हम सब ये जानते हैं कि हम हर इंसान, हर मुसलमान ये चाहता है कि वो दीन में अच्छा हो, अल्लाह ताला की तरफ बढ़े और उस तरफ कदम रखे, लेकिन नफ्स की सुस्ती या वो इबादत की पाबंदी और चीज़ों को मामूल के मुताबिक करना और पाबंदियों से बचना, आराम चीज़ों से बचना, इस तरह की पाबंदियां इंसान के नफ्स को रोकती हैं कि वो बहुत तेजी से उस तरफ नहीं आ पाता। तो ये रमजान का महीना बेहतरीन है इसके लिए, जहाँ ये पाबंदियां बहुत कम हो जाती हैं, नेकी की तरफ सफर करना आसान हो जाता है। तो हमने इस महीने से फायदा उठा के अपने लाशोर को, अपने नफ्स को प्रोग्राम करना है। वो प्रोग्रामिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो हमने समझना है कि रमजान मुबारक की अहमियत को समझना है, इसकी कदर व मंजिलत को समझना है, इसके माह से फायदा उठाने का इरादा करना है, और रमजान मुबारक के माह की जो असास है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो समझनी है हमने। इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो, इससे पहले एक वीडियो कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ, क्योंकि वो साइकोलॉजी समझे बगैर हम उसके ऊपर बेहतरीन रास्ते के ऊपर चलना हमारे लिए कुछ मुश्किल होगा। दूसरा काम हमें करना है कि आपने पहले ये जान लेना है कि लाशोर की प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं, इस लाशोर की प्रोग्रामिंग के लिए रमजान मुबारक का माह कितना अच्छा है, उसका फायदा क्या होगा, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम किसी चीज़ को जानकर उसके मुताबिक अमल करते हैं तो उसका फायदा ज्यादा होता है। अगर हम किसी चीज़ को जानते नहीं है, हमारा उसके ऊपर यकीन नहीं है, तो हमें फायदा नहीं होता। तो ये आपने जान लेना, जो मैंने आपको बता दिया, इस पर यकीन करना है। और थर्डली आपने नीयत और इरादा करना है कि मैंने अपने नफ्स की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, पॉजिटिव इखलाकियात के लिए, पॉजिटिव मामलात के लिए, बेटर इबादत के लिए, और बुरे कामों और मुहर्रमात जो चीज़ें हराम है मैंने उनसे बचने के लिए। इन चार चीज़ों की प्रोग्रामिंग करनी है, सिर्फ इबादत की नहीं करनी, अच्छी इबादत की करनी है, अच्छे मामलात, अच्छे अखलाकियात और मुहर्रमात से बचने की प्रोग्रामिंग करनी है। इसके अलावा कोई और अच्छी चीज़ दुनियावी स्किल अच्छी आपके जहन में आए तो वो भी इसमें उसकी भी नियत कर सकते हैं। इसके बाद आपने पार्टिसिपेट करना है। ये सब चीज़ करने के बाद, रमजान की साइकोलॉजी समझने के बाद, इस इल्म को, इस टेक्निक को जानने के बाद, प्रोग्रामिंग की नियत और इरादा करने के बाद, अब आपने रमजान मुबारक की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, खुशू व खुजू से, आराम से, तहमुल से इबादत करनी है। आपने तो बस अफ़ा करना है, नवाफिल पढ़ने हैं, सजूद करने हैं, दुरूशी ज़्यादा पढ़ें, आप खुश इखलाकी से पेश आने की प्रैक्टिस करें, अपनी पेशेंस यानी कैपेसिटी को बढ़ाने की प्रैक्टिस करें, और ये नीयत और ये यकीन रखें कि ये जो आप प्रोग्रामिंग और ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये इतनी अच्छी इसका इफेक्ट आएगा कि अगला पूरा साल जो है आपके लिए इस रास्ते पर चलना, दीन और दुनिया या दुनिया और आखिरत, अल्लाह से ताल्लुक को, दुनियादारी, इन सब चीज़ों में बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस यकीन के साथ आप ये सब कुछ करें और आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि रमजान के बाद भी आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब आसान होगा तो इसको रमजान के बाद इन चीज़ों को कभी कभी दोबारा भी प्रैक्टिस कर लें, उससे री इन्फोर्समेंट मिलती है, जो हमने प्रोग्रामिंग की होती है वो ज़्यादा पुख्ता से पुख्ता और हमेशा इख्तियार करती चली जाती है। तो ये हमारा आज का लेसन था कि आपने इस महीने से फायदा उठाकर अपने नफ्स के ऊपर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, और जो शैतान ने नेगेटिव प्रोग्रामिंग की हुई है उसको अपने अंडू कैसे करना है, इससे भरपूर फायदा उठाइए।